करोड़ों कई करोड़ लोगों ने पनौती शब्द का इस्तेमाल किया। राहुल जी ने भी कहा पनौती मोदी। इससे पहले भी आपको ध्यान दिलाऊं, राफेल पर जो घोटाला हुआ था तो राहुल जी ने नारा दिया था कि चौकीदार चोर है, और सारे बीजेपी के आरएसएस के नेता के मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। आज कोई भी नहीं कह रहा कि मैं भी पनौती, मैं भी पनौती, मैं भी पनौती। ठीक है, ठीक है। ये बड़ा आज बीजेपी वालों को कहना चाहिए कि मैं भी पनौती, जब मैं भी चौकीदार का था तो आज राहुल जी ने कहा है। और ये पनौती अब आगे 2024 में देखना, सारे देश के लिए पनौती साबित होंगे मोदी जी। एक और सवाल है, जिस तरह से अभी हाई कोर्ट का जो फैसला आया हरियाणा में, जो स्कूलों की जो शिक्षा है उनको लेकर, और साथ में जो लड़कियों के टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है उसको लेकर, देखिए वो कुछ नहीं है। हम जगह जगह कितनी बार हमने विधानसभा में भी और विधानसभा के बाहर अपनी अपनी रैलियों में सब जगह हमने इस मुद्दे को उठाया। इस सरकार पर जू नहीं रह गए, इस सरकार ने शिक्षा का पूरी तरह से बंटाधार कर दिया है। आज 538 स्कूलों में लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं है, 1047 स्कूल ऐसे हैं जहां लड़कों के लिए भी टॉयलेट नहीं है, 121 स्कूल ऐसे हैं जहां पर बिजली की व्यवस्था नहीं है, 341 ऐसे स्कूल है जहां पर चार दीवारी नहीं है। आज 8240 कमरों की जरूरत है स्कूल के कमरों के, आज 5630 वो कमरे चाहिए जिसमें लेबोरेटरी लाइब्रेरी चाहिए। इन्होंने 4800 स्कूल मर्ज कर दिए, 498 स्कूल खत्म कर दिए, फिर भी जो रैशनलाइजेशन उन्होंने किया है उसके तहत अध्यापकों के पदों को खाली करने में लग रहे हैं, कम करने में लग रहे हैं, उसके बावजूद भी आज भी 25192 पद आज भी खाली पड़े हैं। और ये बेशर्मी से कहते हैं कि बच्चे नहीं है उपलब्ध, इसलिए हम स्कूलों को मर्ज कर रहे हैं। इनको ये तो चिंता का विषय है, चिंतन का विषय है। इनको सोचना चाहिए कि बच्चे क्यों छोड़ रहे हैं, कि जब सरकार, जब स्कूलों में ना अध्यापक होगा, ना वहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, बैठने के लिए जगह नहीं होगी, टॉयलेट नहीं होंगे, चार दीवारी नहीं होगी, कमरे नहीं होंगे, कोई लाइब्रेरी का, लेबोरेटरी का कोई वहाँ पर कोई भी प्रबंध नहीं होगा, तो अपने बच्चों को मजबूरी में जो है वो उसमें प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं। नहीं तो इन्हीं सरकारी स्कूलों में तो पढ़ करके पहले सारे अफसर बनते थे, अब तो ये जो सरकारी स्कूल है ये तो एक चपरासी भी नहीं बनते इनके। प्रधान जी, अध्यक्ष जी, बीजेपी के अध्यक्ष हैं अभी नायब सिंह नए हुए हैं, उनका ये कहना है कि कांग्रेस की दुकान खाली हो चुकी है, जो विकास कर सकती है वो भाजपा कर सकती है। और जिस तरह से राजस्थान में उन्होंने सिलेंडर की बात की तो उन्होंने कहा कि उनके मैनिफेस्टो में था। नायब सिंह सैनी चारा अभी अभी अध्यक्ष बने हैं, मेरे साथ विधायक रहे, मुझे पता है, मुझे उनके साथ विधायक रहने का मौका मिला है। लेकिन वो ये कहें कि कांग्रेस की दुकान खाली, अगर कांग्रेस की दुकान खाली है तो कांग्रेस की संस्थाओं को ही ये बेच के अपना गुजारा कर रहे हैं। आज जो जल थल नभ जो सारे बेचे जा रहे हैं, हवाई जहाज, हवाई अड्डे बेचे जा रहे हैं, पनडुब्बियाँ बेची जा रही हैं, सारे बिजली के कारखाने, कोयले के कारखाने, यहाँ तक कि इंश्योरेंस के एजेंसी और बैंकों के जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, निजीकरण की तरफ जो हो रहा है, सारे जो पब्लिक सेक्टर के दायरे जो कांग्रेस ने बनाए उनको बेच बेच के ही अपना गुजारा कर रहे हैं। कांग्रेस की दुकान खाली नहीं, इनकी दुकान में कोई सौदा नहीं। उन्होंने सिवाय भाजपा, भारत जलाओ पार्टी, इन्होंने सिवाय नफरत के बीज बोने के और देश को कुछ दिया ही नहीं है। एक जहरीली शराब से जो मौतें हुई उस पर सरकार कह रही है कि हम इसमें जांच करेंगे। अभी देखें कि भाई किस तरह से, पहले भी सोनीपत में 32 लोग मारे गए थे, अब 22 लोग मारे गए हैं जहरीली शराब से। अब उसके लिए आबकारी मंत्री कौन है? डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। और गृह मंत्री कौन है? अनिल विज। उसकी नाक के नीचे, गृह मंत्री के नाक के नीचे ये जहरीली शराब बनाई जा रही थी। 2021 में भी साहा थाने में उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज थे, उसके बावजूद भी वो अभी जो था वो अंकित मोगली, उसके खिलाफ जो मुकदमे दर्ज थे उसको अभी भी ढीला छोड़ रखा था, उसके तरफ ध्यान नहीं किया। पहले भी जहरीली शराब में पकड़ा गया था, उसने फिर दोबारा से जहरीली शराब का कारोबार शुरू किया और उसमें ये इतने इतने लोग मारे गए। तो जो अनिल विज है
वो पूरी तरह से गृह मंत्री के रूप में भी फेल है, स्वास्थ्य मंत्री के रूप में भी फेल है। इनकी डेढ़ डेढ़ महीने से फाइलें पेंडिंग पड़ी हैं, कोई डिसीजन नहीं लेते। मुख्यमंत्री का इनका आपस में बनती नहीं, एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, एक दूसरे पर कोई फाइल इनकी निकलती नहीं। पूरी तरह से अनिल विज गृह मंत्री के रूप में भी और स्वास्थ्य मंत्री के रूप में एक फेल कैबिनेट मंत्री है, सवाए अपने बयानबाजी के उसके पल्ले कुछ नहीं है। और इसी तरह से दुष्यंत चौटाला को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पहले जो जहरीली शराब का हुआ था सोनीपत में, उसमें SIT बनी थी, उसका क्या हुआ? SIT बनती उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आती। तो ये पूरी तरह से विफल सरकार हर मोर्चे। हमारी चलते यात्रा शुरू कर रही है क्या कांग्रेस का अधिकृत कार्यक्रम? अच्छी बात है, कोई भी कांग्रेस का आदमी कोई यात्रा शुरू करता है, लोगों में जागरूकता लाता है, चेतना आती है, तो किसी को क्या इतरा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि अगर अधिकृत होगा तो मैं जाऊंगा, नहीं तो ऐसे नहीं जाता हूं। नहीं, वो ठीक है, जो अपना जिस तरह से प्रोग्राम कर रहे हैं अपना कर सकते हैं, कोई भी उसमें कोई पार्टी विरोधी तो गतिविधि में कोई है नहीं, पार्टी का काम ही तो कर रहे हैं, क्या नुकसान है।